अनुग्रह कारी, कारी दयालु पिता विलंब से क्रोध करता सदा हमारा प्रभु अनुग्रह कार्य है और अनुग्रह कार्य तो बहुत सारे वचन मैंने निकाले हैं आज मैं चाहता हूं कि सबको हम पढ़े लेकिन जो है मैं कुछ पहले वचन में बताता हूँ भजन संहिता जो है मैं एक आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं परमेश्वर का नाम अनुग्रहकारी है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है आप ये मुझे बताओ कि परमेश्वर अनुग्रह क्यों करता है आपके ऊपर और मेरे ऊपर शाबाश परमेश्वर के बनाए हुए बहुत सारे कारण बताओ प्यार करता है हम उसके बच्चे हैं वेरी गुड कहने के अनुसार चलते बाइबल पढ़ते वेरी गुड और प्रार्थना करते रहते योद्धा है प्रार्थना योद्धा यस yes, वेरी गुड और यस yes, निर्मल पात्र है कमजोर है प्रभु जानता है इसलिए हमको अनुग्रह करता है वेरी गुड यस और यस yes, यस yes. तो प्रभु हमको प्यार करता है और अनुग्रह करता है बाइबल में कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हम देखेंगे आज कि जिन लोगों ने प्रार्थना की और प्रभु से अनुग्रह मांगा और अनुग्रह मांगने के पीछे उनके कुछ कारण थे कि प्रभु मेरे लिए इसलिए अनुग्रह कर प्रभु मुझको तेरा अनुग्रह की आवश्यकता है क्यों क्योंकि डैश 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 क्यों क्योंकि डैश, डैश 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 आप जल्दी से लिख लीजिए हालोल वैसे तो बहुत सारे ऐसे वचन है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वचन आप सुने हाल भजन संहिता एटी के पंद्रह में लिखा है परंतु तू प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है और प्रभु परमेश्वर की प्राथा तेरा नाम अनुग्रह कारी है। और फिर बाद में जो है प्रभु परमेश्वर तू क्यों अनुग्रह करना चाहता है जो है निर्गमन उसके तैतीस अध्याय के तेरा वचन में प्रभु कहता है मूसा कहता है कि प्रभु अगर तू मेरे ऊपर अनुग्रह करता है तो अपनी गति समझा तेरा ज्ञान मुझे दे प्रभु मूसा के द्वारा 25 लाख से ज्यादा लोग मिश्र देश से निकले और जो है हम अपने परिवार को लेके जब निकलते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अरे तू इधर आ जा अरे तू इधर अरे तू ऐसा हम जो है बहुत परेशान रहते हैं माँ बाप खास करके ये सारे बच्चों को कैसे संभाले और कैसे झुड़े आगे बढ़े कोई जो है इधर उधर ना भटक जाए लेकिन ये पच्चीस लाख लोगों को जब नुसा निकल कर ले जाता है तब जो है वो अस्वस्थ नहीं होता लेकिन वो एक ही प्रार्थना करता है प्रभु तू अपनी गति हमें समझा प्रभु तू कहा ले जाना चाहता है क्या करना चाहता है हमको सिखा हमें ज्ञान दे वही मूसा कहता है सोलह वचन में हे प्रभु तू हमारे संग संग चल हम पर अनुग्रह इसलिए तू कर कर रहा है इसलिए तू हमारे संग संग चल भजन सहिता उसके चौथे अध्याय के पहले वचन में लिखा है प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे आलोलिया चाहिए और इसलिए अनुग्रह कर कि मेरी प्रार्थना सुन प्रभु जी प्रभु तू छठवे अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है प्रभु इसलिए मुझे मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं गया हूं मेरे हड्डियों में बेचैनी है प्रभु तो प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे बैरी मुझ पर मुझको दुख दे रहे हैं पच्चीस अध्याय के सोलह वचन में प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अकेला हूं और दीन हूं प्रभु मेरा कोई नहीं दुनिया में इस दुनिया में अकेला हूं दीन हूं इसलिए तू मुझ पर अनु अपना अनुग्रह कर कितने सुंदर सुंदर कारण वो बताता है और वो जो है अलग अलग प्रभु के दास लोग कहते हैं प्रभु मुझ पर अनुग्रह इसलिए चाहिए क्योंकि तू मुझे छुड़ा ले मुझे छुड़ा ले आज बहुतों को छुड़ाने की छुटकारे की आवश्यकता है पाप से छुटकारा शराब से छुटकारा गरीबी से छुटकारा कर्ज से छुटकारा बुरे आदतों से छुटकारा दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्रभु मुझे छुड़ा ले तेरा अनुग्रह मुझ पर होने दे सत्ताईस अध्याय के सातवें वचन में लिखा हुआ है प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे मुझे उत्तर दे मेरा प्रभु ऐसा है कि जो उत्तर देने वाला परमेश्वर है तीस अध्याय के दस वचन में लिखा है वो प्रार्थना करने वाला कहता है प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर और मेरा सहायक हो इकतीस के दस में लिखा है प्रभु इसलिए अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूं मैं शोक में हूं हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में संकट शोक आते हैं और उस समय हम प्रभु को पुकार सकते हैं 41 के 4 में लिखा है मुझे मुझ पर अनुग्रह कर इसलिए क्योंकि कर मुझे चंगा कर मैंने पाप किया है प्रभु जी मेरे पापों की क्षमा कर और फिर बाद में मेरे अपराधों को मिटा और प्रभु जो है लिखा है कि 56 के वन में मनुष्य मुझे निकलना चाहते हैं इसलिए मुझ पर अनुग्रह कर मुझे मनुष्य सता रहे हैं सताते हैं लड़ते हैं प्रभु इसलिए तू जो है मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु जी और फिर बाद में प्रभु मुझ पर अनुग्रह इसलिए कर क्योंकि बहुत सारी विपत्तियां मेरे ऊपर आई है इन विपत्तियों से मुझे छुटकारा चाहिए इसलिए तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए प्रभु मैं तुझी को मुझे अनुग्रह इसलिए कर क्योंकि मैं तुझी को पुकारता हूं मैं और किसी को नहीं पुकारता हूं हाल मैं सिर्फ मेरे प्रभु को पुकारता हूं इसलिए प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं सिर्फ तुझी को पुकारता हूं बहुत सुंदर सुंदर कारण है हा लोलिया क्यों मुझ पर अनुग्रह तू कर प्रभु प्रभु मुझे अनुग्रह कर इसलिए क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए और मुझे उद्धार चाहिए एटीसी के सोलह में और एक सो सौ दो के तेरह में लिखा है अरे प्रभु अनुग्रह इसलिए कर क्योंकि अनुग्रह करने का समय अब आ चुका है हा अनुग्रह करने का समय अब आ चुका है एक के अठावन में पूरे मन से मैं तुझे मैंने तुझे मनाया है इसलिए मुझ पर अनुग्रह कर पता नहीं कैसे मनाया था उसने परमेश्वर को जो है हम अपने हम जो है अपने बच्चों को मनाना हमें पता है अपने पापा मम्मी को मनाना पता है भाई बहन को मनाना पता है लेकिन ये बंदा कहता है कि मैंने तुझे अपने पूरे मन से मनाया है पता नहीं कैसे मनाया होगा उसने हा हम बच्चों को मनाते चॉकलेट ले आते हैं लेकिन प्रभु को कैसे मनाया होगा उसने और प्रभु को हो सकता है उसने उपास रखा होगा पवित्र जीवन जिया होगा जो प्रभु को अच्छा लगता है वही किया होगा प्रभु से प्रेम किया होगा और वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु हा कि मैंने तुझे पूरे भजन सीता एक सौ उन्नीस में पूरे मन से मैंने तुझे मनाया है लिया। आज हमारी यही इच्छा हो कि हम प्रभु को मनाएं प्रभु की इच्छा पूरी करें प्रभु का आनंद प्रभु के लिए हमारे जीवन जो है प्रभु के लिए आनंद देने वाला और भजन सहित एक सौ तेईस के दो में लिखता है हालिया बहुत सुंदर वचन है आइए हम उस वचन को देखेंगे और मैं चाहता हूं कि उस वचन को हम देखें कैसे लिखा है दूसरे वचन में हालिया मेरे पीछे बोलिए देख जैसे दासों की आंख अपने स्वामी की हाथ की लोर लगी रहते हैं और जैसे दासियों की है अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यह की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे हाँ हमारी आंखें कहां पे लगी रहनी चाहिए परमेश्वर पर दुनिया के लोगों पर आंखें लगाना तो बेकार है हमारे ऑफिस पे आंखें लगाना तो बेकार है हमारे बॉस पे आंखें लगाना तो बेकार है हमारे रिश्तेदारों पे आंखें लगाना तो बेकार है हमारी आंखें जब तक प्रभु की ओर लगा रहेंगे हम तब तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा हे प्रभु हमारी आंखें तब तक लगी रहेगी जब तक तू हमें और पर अनुग्रह नहीं करेगा मतलब उसके पास एक विश्वास है कि मैं अगर प्रभु के पास देखता रहूंगा तो मुझे जरूर मेरे ऊपर आशीष आएगी और अनुग्रह आएगा और देखो हम देखते हैं कि पतरस ने जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा तब तक पानी पर चल पाया लेकिन जैसे उसने देखा अरे बाप रे इतनी बड़ी लहर अरे बाप रे इतनी बड़ी आंधी अरे बाप मेरी कैसे डूब रही है जैसे उसने अपनी परिस्थितियों को देखा उसकी वो खुद ही डूबने लगा लेकिन जब तक वो प्रभु यीशु के पास देखता रहा पानी भी संगम के फर्श के समान उसको ऊपर उठाता रहा हालेलुया हमारी आंखें तेरी और लगी है प्रभु जी हालेलुया और जो है वो तीसरे वचन में कहता है प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह इसलिए क्योंकि प्रभु हम हम तो क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर हो यशया तैतीस के दूसरे वचन में लिखा है हम पर अनुग्रह इसलिए क्योंकि हम तेरी बाढ़ जोते आए हैं ये मैं अनुग्रह 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 करे जा रहा हूं अनुग्रह का अर्थ क्या है किसी को पता है दया अनुग्रह का अर्थ है ग्रेस और ग्रेस का अर्थ है अनुग्रह दया और प्रेम रिक्वेस्ट आशीष है, गलतियों को माफ कर दिया मतलब अनुग्रह है, यस और कुछ देखो अनुग्रह मतलब जिस बात के लिए हम लायक नहीं हैं उस बात को जो है हमको वो चीज मिलने मेरे पापा प्रिंसिपल थे और पापा के प्रिंसिपल की कुर्सी पे जाके बैठा था हमेशा बचपन में मैं और वहाँ पे लोग आते थे ओ सर गायकवाड़ सर गायकवाड़ सर प्रिंसिपल हाँ जी जो है हमारे बच्चे को फेल करा दिया देखो ये तो जो है क्या करूँ फिर बताओ पास कर दो इस बार हम ट्यूशन वगैरह लगा देंगे उसका एक साल व्यर्थ नहीं होना चाहिए चलो ठीक है कल आ जाना वो जो है टीचर को बुलाया करते थे कि देखो इस बच्चे को पास करना है वो मम्मी पापा जिम्मेवारी ले रहे हैं उनका एक साल व्यर्थ नहीं होने देना है वो कह रहे कर लेंगे और पास करा देना उनको ये सब बातें मैं देखता था, तो मैंने कभी देखा नहीं पापा ने किसी को मना किया हो पास करा दो पास पास करा दो पास पता नहीं कैसे प्रिंसिपल थे सबको उन्होंने सबको सबको पास कर दिया किसी को नाराज नहीं किया और जो है आ, जो भाई देखता था वो सारी बातें टीचर आके शिकायतें करते अरे सर इनको कुछ नहीं आता इनको पास मत करो ये बहुत परेशान है, है क्लास में परेशान करता ये है बहुत बड़ी हरकत है उसकी ये है अरे कोई बात नहीं बच्चा है चलो ठीक है उसको ठीक करो उसको मारो डांटो फटकारो और उसको सही रास्ते पे लाओ पापा बहुत अच्छी तरह काउंसलिंग करते थे तो जो है ग्रेस मार्क मिलके वो पास होते थे हा ललुआ प्रियो हम जो है स्वर्ग में जाने के लायक लेकिन प्रभु ने हमें अपने ग्रेस अपने ग्रेस मार्ग देके के यीशु मसीह के ग्रेस मार्ग हमको मिल गया हालेलुया और आज हम जो है हालेलुया बड़ी उस वचन को बड़ा सुंदर वचन है वो हालेलुया कि इफिसियों दूसरे अध्याय का पहला वचन पढ़ते जाइए उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे परन्तु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया हाँ स्वर्गीय स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया हम आत्मिक रीति से इस वक्त उसके साथ बैठे हुए है। हैं व्हाट इज कितनी सुंदर कल्पना ही है हालेलुया कि हम उसके साथ हमने को उठाया और उसके साथ बिठाया पापा कहते थे कि तुम्हारा बेटा जो है इस लायक नहीं कि अगले क्लास में जाए लेकिन हम ग्रेस मार्क देके उसे अगले क्लास में बिठाते हैं और वो आ, आगे अगले क्लास में बैठता था एक बच्चे के साथ तो ऐसा हुआ और अगले क्लास में उसको बिठा दिया और अगले क्लास में बिठाने के बाद में उसकी हरकतें बहुत ज्यादा चल रही थी वो ना पढ़े ना होमवर्क करे और घर उस क्लास में सबको डिस्टर्ब करे ऐसा करे वैसा करे तो जो है टीचरों ने बहुत शिकायत करी और शिकायत करने के बाद में उसको बताया गया कि नहीं इसको जो है अगले क्लास में नहीं ऐसे कुछ आता ही नहीं तो कहाँ अगले क्लास में रखेंगे और बताया गया तो उसको प्रिंसिपल ने बताया कि भाई आपको बुलाया गया और बुलाने के बाद में होता है कि इस बेटे को ये अगले क्लास में जाने के लायक नहीं है हमने अनुग्रह दिया था ग्रेस दिया था बल्कि नो ग्रेस के लायक नहीं है और इसलिए उसको जो पहले क्लास में जो है था, वहीं पे जाके बिठाया जाए और वो उसकी उसी क्लास को जो है उसको बिठाया गया उसकी हरकतें जो है बदली नहीं होमवर्क ना करना क्लास में ध्यान ना देना मजाक करना टीचर की बात ना मानना और जो है उसी वहीं पे बिठा दिया परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है लेकिन इस अनुग्रह का हम कैसे फायदा उठाते हैं या क्या करते हैं यहूदा की पत्री पहला अध्याय और उसके चौथे वचन में लिखा है क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को में बदल डालते हैं लुचपन में बदल डालते हैं आगे बढ़ो और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं एकमात्र स्वामी हमारा एकमात्र स्वामी होना चाहिए और कोई स्वामी नहीं होना चाहिए एकमात्र स्वामी को क्या इनकार करते हैं और ऐसे लिखा है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं मैं लुचपन इस शब्द को जो है डिक्शनरी में देख रहा था बहुत सारी जगह पे देख रहा और जो है ये लुचपन मतलब किसी को पता है कुछ लुचपन का अर्थ जो है वो कामुकता वे विचार के साथ संलग्न जो है वो इसको किया जाता है और इंग्लिश में जब बाइबल पढ़ रहे थे तो दे आर अनगॉडली पीपल हु पवर्ड द ग्रेस ऑफ गॉड इन टू लाइसेंस फॉर इमोरिटी जो वो गलत काम करने के लिए जो है उन्होंने लाइसेंस ले लिया है परमेश्वर का अनुग्रह उन्होंने जो है इतना गलत तरीके से लिया है वो कहते हैं अरे गर्लफ्रेंड रखो अरे बॉयफ्रेंड रखो अरे गलत काम करो यीशु का लहू काय के लिए है ऐसे उनकी विचार है प्रभु को ग्रहण किया ना तो सीधे स्वर्ग में जाने वाले हो ऐसे गलत विचार हैं अरे यीशु के लोग उसे धो लो पाप ऐसे उनके गलत विचार हैं उन्होंने लाइसेंस बना दिया है परमेश्वर के अनुग्रह को लेके लाइसेंस बना दिया है सारे प्रकार के कामुकता के कामों को करने के लिए सारे व्यविचार के कामों को करने के लिए सारे दुनियादारी के गंदे कामों के लिए लाइसेंस बना दिया उन्होंने अनुग्रह को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाइबल में लिखा है अब दूसरा कोई बलिदान बाकी नहीं है अब जो है डर डर के अपना उद्धार करा लो हाल लोया ये लुचपन जो है मतलब कामुकता, लुचपन मतलब बहुत बुरी अशुद्ध मनुष्य को अशुद्ध करती है यह मरकुस सत सात अध्याय का मेरे ख्याल से इक्कीस और इक्कीस वचन पढ़ी है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व्यभिचार चोरी हत्या पर स्त्री गमन लोभ दुष्टता छल लुचपन कुदृष्टि लुचपन और बाइबल में लिखा है कि ये सब अंदर से निकलती है प्रभु यशु मसीह को पूछा गया क्या ये खाना उचित है वो खाना उचित है इस खाने से अशुद्ध हो जाते हैं उस खाने से अशुद्ध हो जाते हैं तो प्रभु यशु ने कहा सारे खाने के पदार्थ प्रभु यशु ने शुद्ध ठहराए प्रभु ने कहा जो तुम खाते हो और उससे तुम अशुद्ध नहीं होते हो खा के पेट से संडा से वो निकल जाता है जो शरीर को चाहिए वो शरीर ले लेता है बाकी संडा से निकल जाता है लेकिन जिससे तुम अशुद्ध होते हो वो लुचपन कामुकता वो गंदी नजरे वो गंदा व्यभिचार विचार और वो सारी जो वहां पे लिस्ट दी गई है उसके कारण तुम जो है क्या हो जाते हो अशुद्ध हो जाते हो ये लुचपन या ये व्यभिचार विचार कितने बुरे बुरे काम इस दुनिया में हो रहे हैं, है ना और ये सब बातें प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता और ना ही हम करें लुचपन और कामुकता में हम अपना दिन व्यतीत ना करें दूसरे ग्रंथियों उसके बारह अध्याय का इक्कीस वचन और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और वे विचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया मन नहीं फिराया लुचपन तो किया लेकिन मन नहीं फिराया कामुकता की सारे प्रकार के गंदे गंदे बातें करी लेकिन मन नहीं फिराया ऐसे लोगों के लिए आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह आएगा ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो बिना दाग और बिना झुर्री की है जो सच्चे दिल से प्रभु को प्रेम करती है हालेलुया और पियो इसलिए जो है बाइबल में लिखा है गलतियों पांच अध्याय के उन्नीस वचन शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्य विचार गंदे काम लुचपन और सारी लिस्ट वहां पे लिखी हुई है सारी लिस्ट सारे गंदे काम और जो है वो सारे ऐसे गंदे कामों के लिए बाइबल में लिखा है जो कोई ऐसा काम करेगा जो है वो स्वर के राज्य में नहीं जाएगा वह नाश हो जाएगा ये फीस चौथे अध्याय के उन्नीस वचन में जो है लिखा हुआ लिखा है कृपया पढ़िए और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे सुन्न होकर से गंदे काम में लुचपन में लग गए है सब प्रकार के गंदे कामों की लालसा में पड़े है आज प्रियो ये सारी दुनिया इस प्रकार पड़ी है लेकिन प्रभु कहता है कि हम गंदे कामों में ना जाए इफ इस में लिखा है दाख रस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है देखो लुचपन के विरुद्ध में बाइबल कितनी सारी बातें बताती है हमने तो देखा भी नहीं था ये सब बातें और ये बहुत जरूरी है कि हम इनको देखें और ये लुष्मन की बातें अपने जीवन से दूर करें पहला पत्र चार के तीन में लिखा है अन्य जातियों के अनुसार काम करने और लुष्मन की बुरी अभिलाषाएं और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जहां तक हम पहले जो है पहले समय गवाया उन सारे गंदे कामों में अब बहुत हुआ बोलिए अब बहुत हुआ अब बहुत हुआ लुच्पन अब बहुत हुआ अब मैं प्रभु के लिए पवित्र बनूंगा आपको बताया प्रभु यीशु मसीह आने वाला एक दुल्हा बन के और हमें बनना एक दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की पवित्र दुल्हन पवित्र दुल्हन तब बनेगी जब उसमें से लुचपन निकलेगा कामुकता निकलेगी व्यभिचार निकलेगा सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम करेंगे तब यह लुचपन हमारे जीवन से निकलेगा और तब हम प्रभु की सेवा हुई वह सेवा हम करेंगे अब बहुत हुआ विश्वासी कहते अब बहुत हो गया अब मैं ये सब काम नहीं करूंगी अब वो सारी बुरी वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा अब बहुत हो गया सब कुछ कर लिया अभी हमने उसमें देखा कि उसमें कोई शांति नहीं है देखा कि उसमें कोई आनंद नहीं है क्षण भर का आनंद है लेकिन दुष्ट आत्मा के पकड़ लेती है और बहुत हुआ बोलिए बहुत हुआ वही बहुत हुआ अब पवित्र रहेंगे यस एक बार एक समुद्र किनारी सीमा समुद्र के किनारे जो है एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते जो है उसको बहुत अच्छी मछली उसके हाथ में आ गई और वो मछली पकड़ने के बाद में उसने उस मछली को ले लिया और वो अपने घर जाने लगा लेकिन वहां पे एक ऐसा बॉडी बिल्डर आ गया मछली ला इधर वो मैंने मछली पकड़ी यार जाने दो तो मछली ला देता क्या नहीं उसने उसको मछली को छीन लिया जा अपने घर छीन के वो जो है जा रहा था अपने घर और जो छीनते छीनते उस मछली ने जिसने जो बॉडी बिल्डर था उसको थोड़ा सा काट भी लिया और जो है वो खून थोड़ा सा निकलने लगा उसने कहा बैंडेड बांध दूंगा वो गया अपने घर बॉडी बिल्डर आदमी ने बड़ा ताकतवर आदमी था मस्त जो है फिश फ्राई फिश फ्राई खाते हो आप ना मुंह में पानी मत आने देना तो वो फिश फ्राई फिश फ्राई बना के जो उसने खा लिया मस्त बहुत मजा आया तो वो जो मछली तो वो हजम हो गई सब कुछ सब ठीक हो गया लेकिन जो है वो जख्म जो थी ना वो जख्म जो है वो ठीक नहीं हो रही थी तो उसने कहा क्या करो यार मैं ये तो जख्म ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर के पास डॉक्टर ये जो है मछली ने काट लिया था ना तो उसको ठीक करो फिर भी ठीक हो जाएगा इंजेक्शन वगैरह दे दिया और पट्टी वट्टी बांध दी जाओ कल आ जाना फिर से ड्रेसिंग करा देंगे वो गया अग, अगली दिन आया ड्रेसिंग फिर से कराई अगले दिन आए दो दिन के बाद फिर से आए और जाके फिर से देखता है तो डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारा जहर बन रहा है तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी यस, उंगली काटनी पड़ेगी उसने कहा कि सोचो आपको काटनी तो मत काटो नहीं काटो तो वैसे जहर फैलता जाएगा नहीं 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 काटो काटो डॉक्टर साहब उसने एक उंगली फिर उसको जो है फिर से इंजेक्शन वगैरह लगा के एंटीबायोटिक वगैरह दे के फिर से जो है उसको ड्रेसिंग करके जो है भेज दिया दो दिन के बाद फिर से आना दो दिन के बाद वो फिर से गया वो फिर से जो है वो सड़ रहा है उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम क्या तुम पानी में हाथ डाल रहे हो कैसे हो रहा है सब ये डॉक्टर डांटने लगा उसको तुम्हारा ये जो सारा ये उंगली काटी है मैंने अब जो है वो सारे पंजे में तुम्हारा चला गया है जहर तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा वो बेचारा रोने लगा बोले नहीं कोई बात नहीं नहीं काटना तो रहने दो ऐसा नहीं 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 काटो डॉक्टर अगर आप कह रहे हो तो काटो और एक दो डॉक्टर के पास देखे देखो हाँ भाई काटना पड़ेगा काट दिया ये पंजा कट गया ठीक फिर से ड्रेसिंग वेसिंग करके गया होकर फिर से जो है वो आ गया देख रहा क्या फिर से वो जहर फैल रहा है तो यहां तक काटना पड़ेगा यहां तक काटना पड़ेगा यहां तक काटना पड़ेगा हाथ पंजा तो वैसे चला गया था ऐसे करते 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 पूरा हाथी चला गया उसका डॉक्टर ने कहा यार ये बताओ तू ये, ये हुआ कैसे बोले गलती हो गई डॉक्टर मुझसे क्या गलती हो गई बोले मैंने किसी की जो है वो मछली पकड़ ली थी छीन ली अरे जा भाग जल्दी पकड़ ले उसको जहां पे भी, भी है उसको माफी मांग ले जल्दी जल्दी भाग बोले अभी नहीं मिलेगा वो जा फिर से जिस जगह पे जा मछली पकड़ने वाला होगा वो गया इधर ढूंढ रहा उधर ढूंढ रहा मिल नहीं रहा ढूंढ रहा कहा गया, 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 गया आखिर मिल गया तुम्हारी नुकसान भरपाई ले ले तू ये दे कि तूने क्या यार मेरा हाथ ही कट गया पूरा बोले मैंने कोई बद नहीं दी मैंने तो बस यही कहा था कि प्रभु इस आदमी ने मुझे अपनी ताकत दिखाई तू भी उसे अपनी ताकत दिखा लॉर्ड oh, परमेश्वर के लोगों आज परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमें शौरत दी है शान शौकत दी है अब इसका इस्तेमाल कैसा करना ये आपके हाथ में है वो बॉडी बिल्डर था पूरा एक झाबड़ मारता नीचे गिरा देता उसने पंगा लिया नहीं मछली दे के भाग गया वो लेकिन जो है उसने गलत काम किया और गलत काम करके वो जो है बड़ी मुश्किल उसके जीवन में आई प्रभु कहता है कि तू बदला मत ले, बदला लेना बारह अध्याय के उन्नीस वचन में हे hey प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है प्रभु कहता है मैं ही बदला लू दूंगा मैं ही बदला दूंगा आजकल बहुत बड़े बड़े अधिकारों को अधिकारियों को बड़ा अधिकार दिया है वो गलत तरीके से पैसे निकालते हैं गरीब गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं उनका पावर है उनके पास अधिकार है वो बहुत बड़े बड़े अधिकारी है ऐसे बहुत सारे जेल में पड़े हैं कि जो जेल में जाने के लायक नहीं थे लेकिन उनके ऊपर जबरदस्ती गलत इंजाम लगा के उनको जेल में भेज दिया क्योंकि गलत क्योंकि काम किसी व्यक्ति ने किया और वो जेल में जाने वाला था लेकिन पुलिस ने कहा किसी और को पकड़ के लाओ फिर उसने किसी और को पकड़ के लाया और उसको जेल में डाल दिया है आजकल बहुत सारे लोग जो है वो आ, हमारे एरिया में जो है जो है छोटे छोटे चर्चेस है छुड़े -छुड़े चर्चे दस दस पंद्रह पंद्रह लोगों के चर्च और जो है सारे जो है, है ये तो सारी जगह पे चलता है और जो है हमारे महाराष्ट्र में भी वैसा होता है एक पास्टर जाएगा दूसरे चर्च के मेंबर को खींच के लाएगा अपने चर्च में रखेगा दूसरी मछली छीन के लाने की कोशिश करेगा ओ ये बहुत ही खतरनाक काम है ये पास्टर होने के बावजूद ऐसे काम करते हैं पास्टर होने के बावजूद जो है दूसरों की मछली पे गंदी नजर लगाते हैं दूसरों की औरतों पे गंदी नजर दूसरों के बच्चों पे गंदी नजर दूसरों की कमाई पर गंदी नजर जो है मछली पकड़ के लाते हैं अपने पास मछली काटेगी मछली काटेगी हाथ कटेगा परमेश्वर का भय मानो भैया हाला परमेश्वर का भय मानो चाहे कितने भी बड़ी बॉडी बिल्डर हो लेकिन जो है हाथ जब कट जाएगा एक छोट प्रभु के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए बस तो उस बहाने के द्वारा ही प्रभु जो है अपनी महिमा दिखा देता है हाँ तो पियो परमेश्वर का अनुग्रह जब आपको मिला है परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है परमेश्वर ने आपको घर दिया है अब आपको प्रभु देख रहा है कि इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं हाँ ललविया क्या आप प्रभु की सेवकाई के लिए कर रहे हैं क्या सिर्फ ऐशा आराम के लिए कर रहे हैं क्या आप प्रभु के लिए मेहनत उठा रहे हैं क्या आप जो है अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं यह प्रभु देख रहा है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो प्रभु के अनुग्रह को लुचपन में मत बदलो लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो यह प्रेरित काम तेरा अध्याय का तेतालीसवा वचन जब सभा उठ गई तो यहूदी यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतों ने बहुतों से पौलूस और बनवास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो हाँ परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो परमेश्वर का अनुग्रह आज हमें अच्छे काम करने के लिए मजबूर करे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह में हम सोपे गए हैं बाइबल में लिखा कर पढ़े प्रेरित तो काम पंद्रह अध्याय के चालीस वचन में कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता में छोड़े गए हैं पढ़ो परंतु पॉलिस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया हाँ परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ में उनको सौंप दिया आज प्रभु की कली परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ में सौंपी गई है आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत आते हैं हाल ललोया जैसे हम पुलिस की अधीनता में आते हैं हम दिल्ली पुलिस की अधीनता में इस वक्त भारत के पुलिस की अधीनता में हम हैं जहाँ दिल्ली पुलिस सर्वदा हमारे साथ हमारे लिए काम करती है अच्छी बात है है ना लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इस एरिया का एस एच ओ मैं जानता हूं ए सी पी को भी जानता हूं और पुलिस कमिश्नर को भी जानता हूं मैं तो उससे दुश्मनी उसको तो बदला लेके रहूंगा उसको पूरा लूट लूंगा उसका घर मैं छोड़ूंगा नहीं उसका कौन मुझे क्या कर सकता है मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है भैया ऊपर एक एसीपी बैठा हुआ है एक पुलिस कमिश्नर बैठा है वो ऊपर उससे थोड़ा डर भय हा लोलिया तुम जो है पुलिस के अधीनता में हो लेकिन तुम पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तुम अनुग्रह के अधीनता में हो लेकिन अनुग्रह को तुमने लुचपन में बदल दिया है अनुग्रह के अधीन रखा इसलिए हाल पाप करते जाओ ये गलत बात है बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पास्टर अब तो कोई बात नहीं प्रभु ग्रहण किया ना बैप्टिजम ले लिया ना अब तो जो मर्जी पाप करो स्वर्ग में जाने वाले हो गलत ऐसा नहीं है परमेश्वर के लोगों हमें जो है अनुग्रह मिला इसका मतलब हम पाप करते रहे क्या पढ़िए उस वचन को रोमियो उसके अध्याय का पहला वचन तो हम क्या कहें क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो हाँ अनुग्रह बहुत हो इसलिए और पाप करते रहे क्या नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं गलत है ये पंद्रह वचन पढ़िए उस वचन तो, देगा तो क्या हुआ क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है कदापि नहीं कदापि नहीं दोनों भी बार प्रभु का वचन बताए कदापि नहीं कदापि नहीं बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु के लहू को एक नल के समान इस्तेमाल करते हैं गंदा हो जाता है खोल दो नल धो लो बस फिर से गंदा करो फिर से धो लो फिर से गंदा करो फिर से धो लो ऐसा नहीं है हम अपनी गंदी आदतों को तोड़ो हम अपने गंदे विचारों को छोड़ो शैतान से तोड़ो प्रभु यीशु से जोड़ो यह काम हमारा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रभु यीशु के वचन बताता है अब दूसरा कोई बलिदान बाकी नहीं है हर एक को परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया है हर एक व्यक्ति को, को यह अनुग्रह मिला है हाल लिया ऐसा एक भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि जिसको अनुग्रह नहीं मिला है हर एक को अनुग्रह बांटा गया है बारा अध्याय रोमियो बारा अध्याय का तीसरा वचन क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे छठो वचन जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है जो उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें हमें दिया गया है भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं हाँ अनुग्रह के अनुसार हमें प्रभु ने भिन्न भिन्न भिन वरदान भिन दिए हैं हम यह ना कहे पास्टर को प्रचार का अच्छा आता है हम ये ना कहे कि यही व्यक्ति बहुत अच्छा प्रार्थना कर सकती है मैं नहीं कर सकता हर एक को प्रभु ने वरदान दिए है और उस वरदान को आपको इस्तेमाल करना है हाल ललोया आज प्रभु चाहता है कि हम देखें कि अनुग्रह मतलब क्या यह परमेश्वर का अनुग्रह हालिया इस अनुग्रह की एक गवाही बनानी है आपको लेकिन अनुग्रह मतलब क्या अनुग्रह का वचन हमारा प्रेरितों के काम 20 अध्याय का इकहत्तर बत्तीस वचन बीस अध्याय का बत्तीसवां वचन और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है यस ये अनुग्रह का वचन हमारी उन्नति कर सकता है हमारा विकास कर सकता है ये अनुग्रह का वचन हमारे साथ क्या क्या कर सकता है आप और पढ़ेंगे हम ये अनुग्रह का राज है बोलिए अनुग्रह का राज है तो पाप का राज नहीं है अनुग्रह का राज है उस वचन को अगर पढ़े रोमियो उसके पांच अध्याय का इक्कीस वचन रोमियो पांच के इक्कीस की जैसा पाप ने मृत्यु फैलते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे अनुग्रह हालोलिया राज कर रहा है फ्रेस लॉर्ड यस ये अनुग्रह क्या है ये अनुग्रह हालोलिया अनुग्रह से हम अमीर होते हैं बहुत सारे लोग जो है कलिस में जाते हैं हमारे कलिसा में बहुत सारे लोग आते हैं और जब वो अपने घर जाते हैं तो उनके घरों में प्रभु की आशीष आना शुरू हो जाती है आसपास के लोग उनकी आशीष देखना शुरू करते हैं कहते हैं अरे यार इन ये, इनको ना चर्च से पैसा मिल रहा है चर्च से पैसा मिल रहा है इनको और वो जाके पूछते हैं बहुतों को पूछा है ना आप, आप मजे को उनकी को पूछा है यस yes, बहुतों को पूछा है <laughs> <laughs> बहुतों को पूछा है अरे तुम्हारी बिल्डिंग बन गई ना चर्च ने पैसा दिया था ना तुमने हाँ तुम्हारे जो है गाड़ी आ गई चर्च ने पैसा दिया था ना अरे तुम्हारा ये बन गया तुम्हारा चर्च है चर्च ने, ने काम लगा ना तुमको चर्च के लोगों ने काम लगा तुम्हारे बहुत बड़े बड़े पहचान के लोग है ना, ना हाँ यस बहुत बड़ा पहचान बहुत बड़ा वसीला बहुत बड़ी पहचान बहुत बड़े अमीर लोग है हम लोग हा लोलोया प्राविल में क्या लिखा है पढ़ी उस वचन को हा लोलिया ये हम कैसे अमीर बन गए दूसरा क्रोन आठ अध्याय का नौ वचन ये कैसे हम अमीर बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा हम अमीर बन जाते हैं अमीरी आने वाली है, है।, है। पढ़ी उस वचन को क्या लिखा तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ उसके कंगाल हो जाने से ताली बजाओ लिए ओ थैंक यू सस थैंक यू सस हा मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं कैसे अमीर होने वाले हैं आप लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि आप अमीर होने वाले हैं हा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और वह बहुतायत का जीवन पाओ ये प्रॉस्पेरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है यह प्रभु का वचन है हालाया जो वचन है वो वचन है उसको कोई बदल नहीं सकता बहुत सारे लोगों को जो है गरीबी में रहने की आदत लगी है प्रॉस्पेरिटी डॉक्टर <laughs> नहीं है हमारा गॉड हमारा गॉड ही प्रॉस्पेरस करने वाला है हमारा परमेश्वर अमीर करने वाला है भैया लिखा हुआ है इसको बदल के दे सकते हैं आप तुमको गरीब रहना है रहो हम तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने के द्वारा हम अमीर हो जाए प्रेज द लॉर्ड जब भी मैं जाता हूं लोगों को विजिट करने के लिए तो मुझे यही शिकायत दिखेती पास्टर ये लोग क्या कह रहे हैं बताओ ये कह रहे हैं कि तुमको चर्च ने पैसा दिया हालांकि हम पास्टर ईमानदारी से अपना दशवांश चर्च को देते हैं और ये कह रहे हैं तो उल्टा कह रहे हैं ये, बताओ ये तो उल्टा कह रहे हैं मैं कह रहे है कि तुमको कितना पैसा मिला हमको मिलेगा क्या मैं कहता हूं उनको बोलो हाँ मिलेगा आप भी आ जाओ <laughs> आ जाओ वाले लोया मसीह हमारे लिए कंगाल बड़ा ताकि उसके कंगाल हो जाने के द्वारा हम अमीर हो जाए येसु मसीह के कोडे खाने के द्वारा हम चंगे हो जाए यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया ताकि उसके पाप बन जाने के द्वारा हम पवित्र हो जाए यह है हाल उसका अनुग्रह है प्रियो हाल हम यहां बैठे लेकिन आत्मिक रीति से हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं हाल इस अनुग्रह ने हमारा जिंदगी बदल दी है इस अनुग्रह प्रभु यीशु के अनुग्रह ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है हम खुश हो गए हैं हम आनंदित हो गए हैं यह अनुग्रह हमें अमीर बनाने वाला है यह असीम धन है यह बहुत बड़ा धन है इस धन को कोई समझ नहीं पाया इस धन की व्याख्या कोई कर नहीं पाया अगर आप पढ़े इसका पहला अध्याय सात वचन और दूसरे अध्याय का जो है सातवें वचन में पहले पहले के साथ में पढ़ेंगे हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है और दूसरे अध्याय का वचन कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए ओ, अनुग्रह का असीम धन हालया हालया हमारा जो है फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है और यहाँ पे तो ब्राइट है ही है और स्वर्ग में जाने के बाद भी ब्राइट फ्यूचर है हाँ ललोया इसलिए हम अनुग्रह का यह समाचार अपने हाथों में लिया है अनुग्रह प्रभु परमेश्वर ने हमें सबसे इस दुनिया में सबसे बड़ी आशीष कौन सी होगी पता है इस पृथ्वी पर आपके लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है पता है एक मनुष्य के लिए उसके लिए जो है बहुत सारे लोग कहते कि ये चंगाई मिल गई इसलिए बड़ी आशीष मुझे मेरी शादी हुई या मेरे बच्चा हुआ या घर मिला सिस्टर आरिस बताइए क्या उद्धार मिला उद्धार ये सबसे बड़ी आशीष है हा और ये आशीष जिसको मिल जाती है हाल उसका बेड़ा पार हो जाता है चाहे कितने भी दुख हो चाहे कितनी भी मुसीबत हो हाल ये oh yes, उद्धार मिल जाता है तो गांव में प्रचार किया गया कि प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है सारे गांव के लोग आएंगे हमको भी उधार चाहिए उधार हमको भी दे तुम उधार देते हो क्या हमको भी उधार दे दो अरे प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है हा, हा। आपको उधार लेने की जरूरत ही नहीं है आप अमीर बन जाओगे हाँ यीशु को ग्रहण करोगे तो अमीर बन जाओगे ओ हमारा प्रभु कितना बड़ा है अगर आप पढ़े उसके दूसरे अध्याय के आठवें वचन में क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है हाँ तो जो तुम्हारा उद्धार हुआ है अनुग्रह से हुआ है हमारा उद्धार जो है वो अनुग्रह से हुआ है ये मत कहना कि मैंने बहुत प्रार्थना की आलोलिया करता रहा ऐसा हिलता टूलता रहा फिर मेरा उद्धार हुआ गलत है ये हालिया आपका उद्धार जो हुआ है अनुग्रह से हुआ है और परमेश्वर ने आपको आशीष दिए है सारा का सारा प्रभु का अनुग्रह है आपका मन भी बदला ताकि आप पश्चाताप करें प्रभु यीशु के पास आए आपको बपतिस्मा के लिए तैयार किया तब आपका उद्धार हुआ अब बहुत सारे लोग जो है बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उद्धार उनके लिए है ही नहीं जिनके लिए उद्धार है नहीं वो बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार ही नहीं क्योंकि उनका उद्धार अभी नहीं हुआ है लेकिन क्या ही धन्य है वे लोग हाल कि आपको पूरा उद्धार मिला है और तुम्हारा उद्धार जो मिला है वो अनुग्रह से मिला है परमेश्वर का ग्रेस हालो लिया अगले क्लास में जाके बैठो जाओ बेटा जाओ अगले क्लास में जाके टीचर को बोल देना प्रिंसिपल ने कहा है कि बैठो हालिया यस yes, प्रभु ने कहा जाओ बेटा प्रभु स्वर्गीय स्थानों में इसको बिठा दो इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा दो इसके लिए जीवन का मुगुट तैयार करो इसके लिए रहने के लिए जगह बनाओ यह मेरे दुल्हन का एक भाग रहेगा यह उठाने वाली कलिसियाओं में एक भाग रहेगा हाल हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बिठाए गए हैं अनुग्रह से हम अमीर हुए हैं अनुग्रह से हम उद्धार पाए हैं हाल लोहिया अभी हमें और किसी बात की जरूरत नहीं है रे भैया हाँ लोलोया हम सेत में जो है विश्वास और धर्मी ठहराए गए हैं अभी जो है हम प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है वो बनाए गए हैं और कितनी खुशी की बात है कि हा लोलिया आज हम अनुग्रह मिला अभी एक बात मैं बताना चाहता हूं और बंद करूंगा कि अनुग्रह जब हमें मिल गया है तो बाइबल में लिखा है कि जो है तुम अनुग्रह में बने रहो अनुग्रह में बने रहो तो अनुग्रह में बने रहना या अनुग्रह को लुचपन में बदल डालना यह हमारे हाथ में है अब हम देखेंगे कि अनुग्रह में बने रहना मतलब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब आज हम ये देखेंगे अनुग्रह में बने रहना मतलब जो है प्रेरितों के काम उसके बीस अध्याय के चौबीस वचन में क्या लिखा है अनुग्रह में बने रहना मतलब आपको करना क्या है ऐसी तो बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन मैं वो सारी बातों के पास नहीं जा पाऊंगा लेकिन 20 अध्याय के 24 वचन परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो वरना यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो आ, सेवा को पूरी करूं हाँ 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 अनुग्रह हा। में बना मत, बनना मतलब बने बने रहना मतलब उस दौड़ को पूरी करना उस सेवा को पूरी करना आगे पढ़िए जो जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है हाँ ये दौड़ कौन सी बताया अनु पर मेरे पीछे बोलो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने की दौड़ है इसको पूरी करनी है ये दौड़ में दौड़ रहा है ना कोई हेलो yes. गवाही दे रहे हो yes. क्या ऐसे ऐसे रहे हो yes. गवाही दे रहे हो प्रभु यीशु के बारे में yes. वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने की दौड़ को दौड़ रहा हूं उसको मैं पूरा करना चाहता हूं भाव ब्रेजलॉट yes. आज इस दौड़ को हमें दौड़ना है ये दौड़ सुसमाचार सुसमाचार गवाही 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 लोगों को बताना प्रभु के बारे में बताना आत्माओं को जीतना प्रभु के पास लाना नरक से उनको छुड़ाना प्रभु यीशु के बारे में गवाही देना यह दौड़ दौड़ने के लिए जो है तैयार रहना मतलब हम अनुग्रह में रह रहे, रहे हैं, लेकिन अगर हम दुनिया की दुनियादारी की ही बातें करते रहेंगे तो हम जो है इस अनुग्रह में बने नहीं रहेंगे देखो बाइबल में लिखा है इब्रानियों की किताब उसके ग्यारह अध्याय के दूसरे वचन में कैसे प्राचीन प्राचीन लोगों की अच्छी गवाही थी पढ़ी वचन को क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई हाँ प्राचीन बोलिए प्राचीनों की अच्छी गवाही दी, दी गई और मेरी कलिसा के हरेक जन की और मेरी अच्छी गवाही दी जाएगी क्या अच्छी गवाही दी जाएगी कि गर्लफ्रेंड थी और बॉयफ्रेंड था लुचपन में लगे थे बुरे काम कर रहे थे रात दिन फोन पे लगे रहते थे, थे कौन सी अच्छी गवाही हम जो है यस सुसमाचार प्रचार करना यीशु के बारे में प्रभु के बारे में बताना हाल हम पढ़ेंगे चौथा वचन ग्यारह राध्या का चौथा वचन पढ़िए हाबिल के बारे में क्या गवाही दी गई विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गयी हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेटो के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है उसकी ऑफरिंग ऑफरिंग उसकी ऑफरिंग इतनी पावरफुल थी कि आज तक उसकी ऑफरिंग बातचीत कर रही है हमारी ऑफरिंग की गवाही दी जाएगी स्वर्ग में परमेश्वर देगा हाबिल की ऑफरिंग की गवाही परमेश्वर दे रहा है और कह रहा है वो मरने के बाद में भी उसकी गवाही जो है उसकी ऑफरिंग और उसके बातों की गवाही दी जा रही है हनो की गवाही पांचवें वचन में, में हनो की गवाही दी गई कि परमेश्वर को वो प्रसन्न किया करता था इससे पहले कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया स्वर्ग में वो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया उसको मौत नहीं आ गई लेकिन और उसके बारे में लिखा है कि हनो कितने साल प्रभु के साथ चला हाँ? हां बाप रे बड़ी सोचन के बहुत सुंदर वचन जो है पांचवा वचन विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला हमें एक हफ्ता चलने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला मतलब यह संभव है और आप कर सकते हैं और मैं कर सकता हूं और हम करेंगे हम परमेश्वर को खुश करेंगे मनुष्य को खुश नहीं करेंगे परमेश्वर को खुश करना हमारा जह काम है हालो लिया मैन प्लीजर नहीं लेकिन गॉड प्लीजर बनना है परमेश्वर को खुश करने का जीवन व्यतीत करना है हालोलिया अनुग्रह अनुग्रह जब आता है तो परमेश्वर को खुश करते हैं अनुग्रह जब आता है एक अच्छी ऑफरिंग अच्छी हालोलिया सेक्रीफाइस हम कर सकते हैं एक और अच्छी गवाही सातवें वचन में नू की गवाही यहां पे लिखा है कैसे नू ने जो है जहाज बनाया हाला वो जहाज बनाया और बाइबल में लिखा है कि वो जो है उसके लिए गवाही दी गई सब ने गवाही दी कि भैया नू ने बहुत अच्छा जहाज बनाया आज प्रभु की कलीसिया के लोगों को प्रभु कहता है कि कलीसिया बनाओ मैं अपनी कलिसिया बनाऊंगा अदलों के फाटक उसके ऊपर प्रबल होने ना पाएंगे जैसे जो है उस नून ने आलोलिया जहाज बनाया गोपेर वृक्ष के लकड़ियां तोड़ तोड़ के जो है वहां पे लाई और उसको योग्य शेप देके जहाज बनाया उसी प्रकार लोगों को लाना है और उनके द्वारा कलिसिया बनानी है प्रभु ने यह काम हमको दिया है अल्ल्या इसको लगातार करना है जहां पर भी प्रभु आपको भेजता है प्रभु का वचन की गवाही दो और प्रभु के बारे में लोगों को बताओ फिर गवाही एक और गवाही उत्पन्न हुई अब्राहम की गवाही आठवें वचन में लिखा है अब्राहम की आज्ञा पालन की गवाही कितना आज्ञा पालन करने वाला था वो प्रभु ने कहा चल अपने जय पिता के घर को छोड़ और जो देश में तुझे कहता हूं वहां पे जा और एकदम वो तैयार हो गया और सच में उस देश का वो हालोलिया भागी बन गया वो देश उसके संतानों को दिया गया फिर सारा की विश्वास की गवाही इतने सारी बुढ़िया होने के बावजूद जो है उसने बच्चे को जन्म दिया उसके पास विश्वास था और सारा के बारे में बाइबल बताती है नवे वचन में पढ़ी कृपया विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यस इसलिए उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था उसकी गवाही बन गई हाँ लल्लुया आज प्रभु ने आपको बहुत सारे प्रोमिस दिए हैं अगर आप उन प्रोमिस को पकड़े रहेंगे तो आपके जीवन में भी गवाही हो जाएगी अब्राहम की त्याग करने की गवाही इस हाँ को उसने देने के लिए तैयार हो गया लोलिया और उसके बदले में परमेश्वर ने कहा अब मैंने देख लिया कि तू मुझे प्यार करता है अब से देखना कि मेरी आशीष तेरे ऊपर आती रहेगी इतनी सारी संतान अब्राहम की हो गई अब्राहम की त्याग की गवाही मूसा को मूसा की गवाही राज घराने को छोड़ने की गवाही उसने कहा छोड़ दो मैं राजघराने को छोड़ दूंगा मैं और मैं जो है इसरायल लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा इसरायल लोगों के साथ मैं दुख उठाऊंगा हालाया आप भी को कहना चाहिए कि मैं भी छोड़ दूंगा सारी चीजें और मैं उपास प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं प्रचार करने के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा गवाहियां उत्पन्न होने लगी पियो हालाया यस ये अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही की दौड़ है आ लोया और फिर बाद में हम देखते कि मूसा की लाल समुद्र की गवाही वाव क्या गवाही है हा लोलोया ऐसी कोई गवाही परमेश्वर आपके द्वारा बनाए ऐसी कोई गवाही आप प्रभु हमारे द्वारा बनाए संपूर्ण भारत के लिए एक गवाही बन जाए हमारा जीवन यीशु के लिए गवाही बन जाए और यीशु मसीह हमारे लिए कहे कि इसने भारत ने बड़ा काम किया इसने दिल्ली में बड़ा काम किया इसने प्रभु का प्रचार किया इसने इतने लोगों को प्रभु के पास लाया प्रभु मूसा को कहता है मूसा क्या प्रार्थना करते हुए बैठा उठ वो लाठी समुद्र की ओर खड़ा कर जैसे उसने उस, उस लाठी को खड़ा कर दिया बाइबल में लिखा है कि समुद्र के दो भाग हो गए और सूखी भूमि बन गई जहां पे सैकड़ों हजारों साल से पता नहीं कितने हजारों साल से पानी है सूखी भूमि बन के वहां से इसराइल लोग जो है निकले हैं प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है गवाही बना रहा है परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बना रहा है आपको अनुग्रह से चुना है और आपके जीवन में वो गवाही बनाएगा यहोशू की गवाही यहोशू की गवाही बन गई कौन सी यो को गिराने की जो दीवार थी शहर पना थी वो ऐसी खड़ी नहीं थी ऐसी थी ऐसी मतलब अगर गिर जाती तो वो ऐसी गिर जाती। कौन से भी हालत में वो ऐसी नहीं गिरती लेकिन लेकिन वो ऐसी गिर जाती लेकिन जब यहोशु और लोगों ने जब चार जो प्रभु ने बताया था वैसे चक्कर लगाना शुरू कर दिए तो वो दीवार अंदर गिर गई हाला बहुत बड़ी गवाही है और ऐसी दीवार थी कहते हैं कि जो है चार जहे रथ एक साथ जा सकते थे ऐसी बड़ी जो है चौड़ी मतलब वो दीवार थी चार रथ एक साथ जा सकते थे इतनी बड़ी जो है वो शहर पना थी उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है आज आपके जीवन में कौन से असंभव काम है प्रियो हाल निराश मत हो जाइए परमेश्वर कोई गवाही बनाने वाला है आपके लिए परमेश्वर कोई बड़ा चमत्कार करने वाला है आपके लिए आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जाइए आप परमेश्वर की सेवा करते जाइए एक बड़ी गवाही बनने वाली है हाल अगले रविवार के लिए एक बड़ी गवाही बनने वाली है हाल मेरे जीवन की एक बड़ी गवाही बनने वाली है हाल दिलेरी के साथ में प्रभु का प्रचार करूंगा हालया अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार करने का काम प्रभु ने मुझे दिया है हालया की गवाही जबरदस्त गवाही थी हाल और बहुत सारी गवाहियां आखिरी गवाही बता के बंद करूंगा मैं हालिया और इकतीस वचन में विश्वासी से राह वैश्य आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई इसलिए नष्ट नहीं हुई नहीं हुई क्यों इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था उसने भेदियों को कुशल से रखा था ये भेदिये कौन थे परमेश्वर के जन। हाल ललोया आज जैसे ही जो है बहुत सारे लोग प्रभु के वचन के प्रभु के पास्टर के बारे में ऐसी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, वहां पे कोई पास्टर होते और वहां पे कोई विश्वासी होते तो एकदम पुलिस हमने हाँ हाँ ये बैठे हुए पादरी दो पादरी बैठे यहां पे ऐसे करते पादरियों के ऊपर इतनी जल्दी तो उनके मुंह से निकलता है पता नहीं क्या क्या निकलता है वो पादरियों की इज्जत करने वाला होना चाहिए पादरियों की सेवा करने वाला होना चाहिए आललुया। आललुया। ओ उन्होंने भेदियों को छुपा के रखा और भेदियों को जब छुपा के रखा तो परमेश्वर ने इस बात को देखा और यह बात उसके लेखे में जो है धार्मिकता की नहीं गई और परमेश्वर ने उस बात की इज्जत की हम आज पास्टर कोई भी पास्टर हो उसकी इज्जत करें कोई भी पास्टर हो उसका आदर हाँ, हम हमको पता भी नहीं है कि क्या क्या करना पड़ता है उनको कैसे कैसे से संभलना पड़ता है कैसे कैसे से उनको रोना पड़ता है लोगों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है हमको बहुतों को पता नहीं है कि पास्टर का जीवन कैसा होता है हम तो एकदम उठे से अपने मुंह से निकाले शब्द तो आपका घराना आशीषित नहीं होगा राहब ने परमेश्वर के दासों की इज्जत की अपने घर में छुपाया परमेश्वर के दासों की इज्जत करने के द्वारा परमेश्वर ने उसको आशिषित किया और इतना आशिषित किया वो वेशा थी वेशा मतलब समाज का सबसे गंदा हिस्सा वो वेशा थी लेकिन प्रभु ने उसको इतना प्रेम किया परमेश्वर के दासों की इज्जत की और इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह की वंशावली में लाया गवाही बन रही है, है। प्रियो गवाही बनेगी परमेश्वर की महिमा होगी हाला और हालाया जो है आज हम बहुत सारे जो है बड़े बड़े पादरियों के पापों को उजागर करने के लिए तैयार हैं इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया ये अमेरिका में ऐसा हुआ उस परमेश्वर के दास ने ऐसा किया उस परमेश्वर के दास ने क्या। ऐसा किया ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया मत करिए मत करिए मत करिए उनके पापों को उजागर मत करिए उनके पापों को ढाप दीजिए उनके लिए प्रार्थना करी कि वो मिनिस्ट्री में बने रहे ताकि और परमेश्वर की सेवकाई करे और परमेश्वर की महिमा करे हा ललुया हमें प्रार्थना करने ऐसे बड़े बड़े दासों के लिए जो इतने ऊंचाई पे गए हा ललुया और उनको प्रभु संभाल रहा है प्रभु संभाल रहा है प्रभु ने उनके पापों को माफ किया तो हम कौन होते हैं उनके पापों के विरोध में बोलने वाले परमेश्वर उनको माफ करेगा मूसा के विरोध में जो है उसके भाई बहन ने बोला कहा कि तूने अन्य जाति की स्त्रियां रखी है क्या है यह परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा हो गया परमेश्वर बाइबल में लिखा कि उसकी बहन को एकदम कोड़ लग गया छावनी के बाहर जाओ निकल निकलवार अशुद्ध रहे वहां पर परमेश्वर अपने दासों के विरोध में जब कोई बोलता है तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता हालांकि मूसा ने जो करा था वो तो अन्य जातियों के साथ अन्य जो है अन्य जाति की स्त्रिया उसने करी थी तो वो तो गलत था ही था लेकिन हम नहीं बोल सकते कुछ उनके लिए भैया परमेश्वर को पूछ के क्या होगा हमें क्या पता वो तो परमेश्वर का दोस्त था आमने सामने बात करता था हम क्यों बोले किसी परमेश्वर के दास के विरोध में हम नहीं बोलेंगे हम क्यों अपने आशीष को खोएंगे हम अपने आशीष को नहीं खोएंगे नहीं तो जो है उसकी बहन के समान अशुद्ध हो के बाहर रहना पड़े वो तो प्रभु का वचन बता रही थी लेकिन भैया मत बताओ प्रभु परमेश्वर न्यायी है हा ललुया आज अनुग्रह का वचन है प्रियो ये परमेश्वर ने अनुग्रह का वचन आपको सौंप दिया है इस अनुग्रह के वचन को हा लल्लुया जो आपको क्या करना है हा ये अनुग्रह के वचन को आप जो है गलत लुचपन में बदलना चाहते हैं या इस अनुग्रह को अच्छा बदलना चाहते हैं उस जो है बॉडी बिल्डर ने जो है जो है बहुत कुछ किया होगा अब जो है उसका हाथ कट गया होगा करोगी कैसे बॉडी बिल्डिंग करोगे तुम्हे की हाथ से हालत खराब इसलिए हम प्रभु का भय माने और परमेश्वर की सेवा करें आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी आशीष हमारे ऊपर आए हाला प्रभु तेरे अनुग्रह को हम लुचपन में बदलना नहीं चाहते लेकिन तेरे अनुग्रह में हम बनना चाहते हैं प्रभु जी तेरे अनुग्रह के हम अधीन रखे रह गए प्रभु जी और तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते जाएंगे प्रभु जी और जो दौड़ दुनिया दी है प्रभु जी मुझे करने के लिए उस दौड़ में मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु जी अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने की दौड़ है ये बोलिए अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने की दौड़ इस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं मैं सोया नहीं हूं मैं दौड़ रहा हूं आत्माओं को जीत रहा हूं लोग मसीह को मानते जाए और हारता जाए शैतान प्रभु जी आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु हर एक भाई बहन के लिए जिन्होंने तेरा वचन सुना है अनुग्रह की अनुग्रह का सुसमाचार की दौड़ में तूने हमें रखा है हम प्रचार ना करें शैतान ऐसे डिप्रेशन हमारे जीवन में लाएगा प्रभु हमारे पास आशीष मिले या ना मिले लेकिन हम तो तेरी सेवा करेंगे प्रभु जी तूने तो पहले से हमें बता दिया है प्रभु जी आलोलिया कि तू हमारे लिए बना कंगाल बना ताकि प्रभु तेरे कंगाल हो जाने के द्वारा हम अमीर हो जाए प्रभु सबसे पहले आत्मिक रीति से हम अमीर हो जाए सबसे पहले प्रभु जी ओ मानसिक से से आत्मिक प्रभु की बातों में हम अमीर हो जाए प्रभु प्रभु जी प्रभु हमें सहायता तेरे अनुग्रह में बढ़ने के लिए तेरे अनुग्रह में रहने के लिए तेरे अनुग्रह की सुसमाचार की दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु जी एक एक सदस्य की सहायता कर प्रभु यह अनुग्रह तूने हम पर रखा है यह बहुत बड़ी बात है प्रभु जी बहुत के जीवन में अनुग्रह नहीं है पिता प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी अनुग्रह के बिना जी रहे हैं रो रहे हैं प्रभु जी असत्यनाश कर रहे आत्महत्या कर रहे हैं

करता जाओ तेरे अनुग्रह ये अनुग्रह का असीम धन को मैं समझ सकू राजा इसलिए मेरी सहायता कर पिता प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं दुनियादारी की प्रभु परमेश्वर ये प्रॉपर्टी और ये पैसा अगर हमारे पास नहीं है हम कभी भी परमेश्वर अपने आप को प्रभु परमेश्वर और निराश नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह का असीम धन मिला है परमेश्वर का अनुग्रह तो तुम जानते ही हो कि वो तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने के द्वारा तुम धनी हो जाए हम आज धनी हैं यीशु मसीह के नाम में आज हम आनंदित हैं यीशु मसीह के नाम से ओ यीशु मसीह आलोले उसने कोड़े खाए और हम चंगे हो गए यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम धर्मी हो जाए हालेलुया तेरे अनुग्रह के सिद्धांत के लिए धन्यवाद ओ प्रभु जी प्रभु आज इस वचन को हमारे मन में

कहते है बदला लेना मेरा काम है मैं ही बदला दूंगा प्रभु हम अपने शत्रुओं को भी प्रेम करें उनके लिए आशीष मांगे प्रभु ऐसा होने दे प्रभु धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु ये मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर पिता आमेन अब प्रभु येशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ खास करके कलवरी परिवार के साथ यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेके प्रभु ये मसीह आने तक बनी रहे आमेन आमेन